Recurrence means recursion or repetition. Recursion technique में same function को repeatedly call करते हैं. Example, factorial of number. Recursion technique को mathematically बोलते हैं recurrence. Recurrence का एक example Tn is equal to T of n by 2 plus Vigo of n. Recurrence को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है. Master method, substitution method, recurrence tree method. Master method. ये equation को याद रखना है. एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मास्टर मेथड में. Tn is equal to 2tn by 2 plus n. इस फॉर्मेट में गिवन क्वेश्चन को हमें लिखना है. फर्स्ट टर्म का देखो, ए टी एन बाई बी. यहां पे ए है 2, बी है 2. सेकेंड टर्म को देखो, एन टू दी पावर के लॉग एन टू दी पावर पी. एन को हमने लिखेंगे n टू दी पावर k log n टू दी पावर p फॉर्मेट. n का पावर है 1, तो k हो गया 1. n के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 को हम लिखेंगे log n टू दी पावर 0, तो p हो गया 0. Now find out a and b to the power k. A is 2, b to the power k भी वैल्यू आ रहा है 2. That means is equal to relation आ रहा है. Is equal to relation आने से ये केस 2 में बिलोंग करता है. लेट अस सी, इज इक्वल टू रिलेशन आने से केस 2 को बिलोंग करता है. ग्रेटर देन होने से केस 1, लेस देन होने से केस 3. अभी केस 2 में ए बी सी तीन बीट है, उसमें से कौन ट्रू होगा देखना है. p ग्रेटर देन माइनस 1 है कि इक्वल टू है कि लेस देन है. हमारा वैल्यू है p इज इक्वल टू 0. p इज इक्वल टू 0 है तो 3 ग्रेटर देन माइनस 1 ट्रू होगा. सो हमारा आंसर होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा. इस आंसर को हम लिखेंगे. जैसे यहां पे हमने लिख दिया p इज इक्वल टू 0 है तो ये ग्रेटर देन माइनस 1 होगा, तो a बिट को बिलोंग करता है, तो ये आंसर होगा. सो ये आंसर को अभी a, b और p का वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनल आंसर आएगा n log. सिमिलरली वी कैन सॉल्व अदर रिकरेंस इन मास्टर मेथड.